Hello everyone, question number 9, and in this series Python program to find area of trapezoid. First of all, हमें समझना पड़ेगा कि what is trapezoid. आप ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं trapezoid. और एरिया ऑफ trapezoid निकालने के लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. यह लिखा हुआ है, if we know द हाइट एंड टू बेस लेंथ. अगर आपको हाइट और टू बेस लेंथ पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड यूजिंग द बिलो फॉर्मूला. जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई एच. यहां पे ए एंड बी आर टू बेस एंड एच इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजॉइड. तो पहले तो हमें समझना ये जरूरी था. सेकेंड लॉजिक जो है, वी कैन कैलकुलेट द मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजॉइड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. इफ वी वॉन्ट टू, अगर हमें कैलकुलेट करना है ट्रेपेजॉइड का मीडियन, तो मीडियन होता है ए प्लस बी अपॉन टू. अब थोड़ा सा समझने के लिए है कि इफ वी नो द मीडियन एंड हाइट, देन वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड ऑल्सो बाई यूजिंग मीडियन इन टू हाइट. हम ये तीनों की कैलकुलेशन को समझ के इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड निकालेंगे. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो वी आर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम. प्रोग्राम इज ऑन योर स्क्रीन, और स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि वी आर टेकिंग, हम प्रोग्राम यूजर से तीन चीजें इंसर्ट करवाएंगे, बेस वन, बेस टू और हाइट. यूजर जो इनपुट देगा उस बेसिस ऊपर हम एरिया और मीडियन कैलकुलेट करने वाले हैं. तो उसके लिए प्रोग्राम बनाया है, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड. जो आपको पता है, हमारी हमेशा मेरे प्रोग्राम के अंदर कमेंट के अंदर लिखा हुआ होता है प्रोग्राम की हेडिंग. फिर मैंने यूजर से जो इनपुट फंक्शन से लिया है, प्लीज एंटर द फर्स्ट बेस ऑफ ए ट्रेपेजॉइड, और उसका डेटा टाइप है फ्लोट, और जो वैल्यू यहाँ यूजर इंसर्ट करेगा उसको मैंने बेस वन के वेरिएबल में स्टोर करा दी. ऐसे बेस टू इक्वल टू फ्लोट, डेटा टाइप, इनपुट फंक्शन, प्लीज एंटर द सेकेंड बेस ऑफ ए ट्रेपेजॉइड, दोनों वैल्यू मैंने ले ली, बेस वन और बेस टू. थर्ड जो वेरिएबल मुझे यूजर से लेना है वो है हाइट, और हाइट की वैल्यू हम कैसे लेंगे, इक्वल टू फ्लोट, इनपुट, प्लीज एंटर द हाइट ऑफ ए ट्रेपेजॉइड. ये तीनों वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा. तब हमने फॉर्मूला पुट किया. फॉर्मूला था, जैसे आप देख सकते हैं, 1.2, तो 0.5 इंटू बेस वन अपॉन बेस वन प्लस बेस टू इंटू हाइट. तो इस वजह से हम एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे. और मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका है बेस वन प्लस बेस टू अपॉन हाफ, तो हाफ का ये फॉर्मूला लगा दिया. उसके बाद आउटपुट प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड इक्वल टू परसेंट पॉइंट टू एफ. इसका मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज में जो आउटपुट आएगा उसकी टू डिजिट्स, फ्रैक्शन के बाद में टू डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 15.96, तो 96 इज द टू डिजिट्स, देन एरिया प्रिंट हो जाएगा. एंड प्रिंट मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजॉइड परसेंट टू मीडियन, इससे मीडियन प्रिंट होगा. पर यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये एक नया सिंबल हमने यूज किया है, दैट इज न्यू लाइन ऑपरेटर इसको बोलते हैं. इससे जो आउटपुट आएगा एक लाइन छोड़ के शो करने वाले हैं. तो रन करते हैं प्रोग्राम को और आपको आउटपुट दिखाते हैं. रन किया मैंने प्रोग्राम को, और रन करने के बाद आप देख सक रहे हैं, देखेंगे स्क्रीन पे, ये बेस वैल्यू दे रही है. मैंने लिखा फर्स्ट बेस 10, सेकंड बेस 20 एंड हाइट मैंने लिखी 15. आप देख सकते हैं वन लाइन के गैप के बाद लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड 225 एंड मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज 15. आई थिंक इट इज क्लियर. और जो न्यू लाइन ऑपरेटर यूज किया था उसको मैं आपको यहाँ और दिखा देता हूँ. तो मैंने यहाँ पे यूज करूँगा मैं, तो अब देखिएगा एक लाइन का गैप यहाँ पे फिर शो होना चाहिए दोनों के बीच में. अब मैंने लिखा 20, 10 और 30. आप देख सकते हैं वन लाइन गैप हियर ऑल्सो. तो नाउ इट इज क्लियर कि हम कैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड कैलकुलेट कराते हैं बाई यूजिंग पुटिंग द फॉर्मूला. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट and share with your friends. Thank you for watching.